रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी और महाराष्ट्र सरकार के बीच लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अर्णब गोस्वामी से डरकर उद्धव सरकार ने अर्णब को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी, लेकिन एक केस में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से 13 अक्टूबर को अर्णब गोस्वामी को लेटर लिखने और डराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। तब तक कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लेटर गंभीरता पूर्वक न्याय प्रशासन में दखल देने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्ट जाने को लेकर गोस्वामी को धमकाया गया है। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामा सुब्रमण्यम ने इस लेटर को चौंकाने वाला बताया है। कोर्ट की माने तो इस लेटर के माध्यम से अर्णब को डराने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसने कोर्ट का रुख किया और उसे ऐसा करने को लेकर जुर्माने की धमकी दी गई। कोर्ट ने आगे कहा कि विधानसभा को ये समझने की सलाह दी जानी चाहिए थी कि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सहायता के लिए अटॉर्नी जनरल K.K. वेणुगोपाल को नोटिस जारी किया है। गोस्वामी के वकील हरीश सालवे ने 13 अक्टूबर को लिखे गए लेटर को कोर्ट के सामने पेश किया। सालवे ने अर्णब गोस्वामी की पत्नी की ओर से शपथ पत्र के साथ आवेदन दिया, क्योंकि खुद अर्णब एक दूसरे मामले में जेल में है। गोस्वामी को बुधवार को 2018 के एक सुसाइड मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि अर्णब से बदला लेने के लिए एक दूसरे मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब को फंसा दिया है। अब देखना होगा कि उस मामले में अर्णब को कब न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।